जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका तो हमेशा स्मरण होता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, दोनों ही चीज़ अच्छी हैं। जय महावीर। हमारे आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे आज के खास मेहमान हैं जो कि शिवसेना समाजवादी पार्टी के पंजाब में फाउंडर मेंबर हैं, और जो कि पंजाब में 33 सालों से शिवसेना समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, और जो शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री कमलेश भारद्वाज जी, जो कि वाकई में ईमानदारी से हिंदुओं की सेवा में लगे हुए हैं, हिंदुओं के उत्थान में लगे हैं, हिंदुओं को उनके ही घर में उनका हक दिलाने में लगे हुए हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मुलाकात करते हैं श्री कमलेश भारद्वाज जी से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, शिवसेना समाज पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, इसकी आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसे क्या आपको ज़रूरत लगी कि पंजाब में इसको हमें स्थापित करना चाहिए? शिवसेना समाजवादी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि पंजाब में आतंकवाद बहुत तेजी से सर उठा रहा था और हिंदुओं को बहुत ही बुरी तरह ये बात प्रभावित कर रही थी कि शायद पंजाब में हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है। और माइग्रेशन शुरू हो गई। लाला जगत नारायण जी का जब कत्ल हुआ लुधियाना में, तो एक बहुत बड़ा धक्का था, खास करके पत्रकारिता के लिए। मैं खुद पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो यहाँ पर गुड़मंडी के अंदर एक हिंदू लीडर श्री जगदीश तांगड़ी रहा करते थे, जो हिंदुओं के लिए लड़ते मरते रहते थे हमेशा। उनसे मेरा बहुत दोस्ताना ताल्लुक था, बहुत प्रेम था। उनके साथ बैठ के फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हमें शिवसेना की स्थापना करना चाहिए, जिससे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाए जो हर रूप में हिंदुओं के लिए कार्य करे, और हिंदू कम्युनिटी को या हिंदू समाज को ये लगे पंजाब में कि वो लावारिस नहीं है, उनके लिए बोलने वाला कोई है। इसीलिए हमने शिवसेना की स्थापना की पंजाब में। और 2007 में जाके जब हमने इतने साल काम किया, तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर हमें सही तरीके से समाज के लोगों का काम करना है, भाईचारे को बढ़ाना है, लोगों के काम करने हैं, उनको सही दिशा देनी है, तो राजनीति पावर होनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने 2007 में श्री प्रकाश सिंह बादल से समझौता करके और राजनीति में एंट्रेंस ली और उनके साथ सीधे तौर पर राजनीति में जुड़े, और शिवसेना समाजवादी उनके साथ कार्य करती रही। सर, आपने 1982 में शिवसेना की स्थापना करी पंजाब में, और 2007 में आपने अकालियों के साथ गठबंधन किया, तो इस दौरान अकालियों के साथ भी आप जुड़े, तो आज 2017 चल रहा है, इस पीरियड में आपने हिंदुओं के लिए क्या-क्या कार्य करे? हमने 2082 में शिवसेना की स्थापना की पंजाब में श्री जगदीश तांगड़ी जी के साथ मिलके। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हिंदुओं का मोरल हाई रखा जाए, बढ़ाया जाए, जिससे पंजाब से जो माइग्रेशन हो रही थी हिंदुओं की वो रुके। अगर हम उस समय ये कार्य ना करते तो शायद खालिस्तान पंजाब में कभी का बन चुका होता, क्योंकि जैसे ही हिंदू पंजाब से जाता, ऐटोमेटिक पंजाब में खालिस्तान बन जाना था। इसीलिए हम लोगों ने अपना सभी कुछ छोड़ के पूरा केंद्रित ध्यान, जो अपना ध्यान था वो इस पे केंद्रित किया कि किसी भी तरह हम पंजाब में हिंदुओं का मनोबल बढ़ाएं और उनको ये समझाएं कि ये मौका है आपके पास कि आप अपने आप को बचाएं, अपने अपने आप में संयम महसूस करें, जिससे कि पंजाब में खालिस्तान ना बन सकें। और इसके लिए हमने हिंदुओं के पास जाके नुक्कड़ मीटिंगें की, उनसे मिले। जब भी कोई ऐसा लगा पंजाब में कि हिंदुओं पे आज अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, गिरफ्तारियां दी, सरकार को इसका पूरा जवाब दिया प्रॉपर तरीके से, आतंकवादियों के डट का मुकाबला किया, जिसमें 60 से ज़्यादा शिवसैनिक शहीद भी हुए आज तक, और आज भी हो रहे हैं आपके सामने हिंदू लीडर। यही कारण है, लेकिन ये सब करने के बाद हमें ये समझ में आया कि अगर सही मायनों में पंजाब में हिंदुओं का भला करना है, पंजाब में किसी भी तरह किसी सामाजिक आदमी का भला करना है, तो हमें राजनीतिक पावर होनी जरूरी है। इसीलिए हमने 2007 में प्रकाश सिंह बादल के साथ समझौता किया, अकाली दल के साथ समझौता किया, और सीधे तौर पे अकाली दल में आए, साथ जुड़ के राजनीति में प्रवेश किया। सर, 2007 में आप लोग अकालियों से जुड़े,
लेकिन 2015 में आप लोगों ने अकालियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी जो है उनको सपोर्ट किया आपने, तो ऐसा क्या कारण हुआ जो अकाली दल को आपको छोड़ना पड़ा और कांग्रेस को आपने सपोर्ट किया? 2007 में जिस सोच के साथ हमने राजनीति को ज्वाइन किया था अकाली दल के साथ, उसका मुख्य कारण यही था कि पंजाब में जो छोटी छोटे जगह पर या गली मोहल्ले में और सामाजिक तौर पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था वो दूर हो, और उनको ये लगे कि उनके साथ कोई सीधे तौर पे खड़ा है। क्योंकि हम ये समझ चुके थे कि जब तक आपके पास राजनीतिक पावर नहीं होगी, आप पूरी तरह हिंदुओं का भला नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने देखा कि 2014 में मेरे पे अटैक हुआ विदुपुर फाटक पे, 40 आदमियों का बाय नेम पर्चा हुआ, लेकिन उनमें से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बार बार प्रोटेस्ट किए गए, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई, हमारे जितने भी जलसे हुए, हमारी जितनी भी रैलियां गई, सबको अवरुद्ध किया गया, हर जगह सामने से रोक टोक की गई, उन पे पर्चे हुए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमारे ही जलसों को, हमारी रैलियों को बैन किया जाता है, उनको हमें बोला जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें नज़रबंद कर दिया जाता है। जब ये सारी बातें देखी गई तो हमने इसका प्रोटेस्ट किया, उनसे बोला कि आपने वादा किया था कि हमें सभी कमेटियों में पूरी तरह आप हिस्सेदारी देंगे, किसी भी कमेटी में किसी को भी कोई मेंबर नहीं बनाया गया, ना ही कोई हमें ऐसा प्रतिनिधि दिया गया जिससे हम किसी का भला कर सकें। ये और सबसे बड़ी बात, जो 584 करोड़ का बजट था उसके बारे में भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से हमें प्रोटेस्ट तौर पे इसके विरोध करना पड़ा और अकाली दल को छोड़ना पड़ा। सर, 2015 से आपने कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू किया, अकालियों को आपने सपोर्ट उनका हटा लिया, और आज 2017 चल रहा है, 2 साल हो गए सर। क्या आपको इसमें लाभ महसूस हो रहा है कि वाकई में ये हमारा एक अच्छा डिसीजन था कि हमने अकालियों को छोड़ा और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया, और इससे आपको लाभ महसूस हो रहा है? देखिए, ऐसा था कि जिस समय हमने अकाली दल को छोड़ा और कांग्रेस को ज्वाइन किया, तो उस समय कोई राजनीतिक बातें या लेन देन की बातें नहीं हुई थी। उस समय हमारा एक रोष था कि हमने सारी बातें भूल के और अपने एक हिंदू पार्टी को पहली दफ़े किसी तरीके से दिल को बनाया, लोगों को बनाया और अकाली दल को पावर में लाया, और एक बार नहीं, 2 दफ़े, 5-5 साल में 2 दफ़े। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें वो पूरा मान सम्मान नहीं दिया जिसके हम हकदार थे और जिसका हिंदू हकदार आज भी है। इसलिए हमने अकाली दल छोड़ के बिना शर्त के कैप्टन अमरिंदर सिंह को सपोर्ट किया था। 1-1.5 साल तो इसी लड़ाई में ही निकल गया कि पावर में कैसे लाया जाए, कांग्रेस को किस तरह उनका सपोर्ट किया जाए। जब 2017 के इलेक्शन कंप्लीट हुए, तो अभी गुरदासपुर इलेक्शन में हमने बिना शर्त समर्थन दोबारा दिया कि हमारा कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं है। रीज़न ये था कि जब 10 साल तक हमने एक पार्टी को इतना बड़ा सपोर्ट दे के मांग मांगने के बाद भी और हमें कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, तो राजनीतिक मांगे मांगने की अब ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ ये दिखाने की ज़रूरत है कि हिंदुओं में कितनी ताकत है। हम हर कांग्रेस पार्टी को भी इस बार संगठित होके हर इलेक्शन में, चाहे वो कॉरपोरेशन का हो, चाहे वो सब इलेक्शन हो, और या किसी भी तरीके से, ये साबित करके दिखाएंगे कि आने वाले इलेक्शनों में अगर उनको फिर से जीत हासिल करनी है, सरकार को अच्छी तरह चलाना है, तो हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, हमें हमारा हक देना होगा, जो हमारी मांगे हैं वो माननी होगी। सर, आपको 33 ईयर्स हो गए समाज सेवा करते हुए, राजनीति में आए हुए, और आप हिंदुओं के लिए इतना कार्य कर रहे हैं और समाज को आपने बहुत ही करीब से देखा है, तो कोई हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा कोई संदेश जो आप चाहते हो कि जन जन तक पहुंचे और समाज उसके लिए अवेयर होए? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना समाजवादी होने के तौर पर आज पंजाब में नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज देश की आबादी का 66% हिस्सा है नौजवानों का है, आने वाले देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में है। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि आइए शिवसेना समाजवादी से जुड़ें और सामाजिक कार्यों में, देश के काम में आगे लगें, जिससे हम पंजाब नहीं पूरे देश को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि
आज पंजाब में कुछ देश विरोधी ताकतें और आतंकवादी ताकतें ये भ्रम फैला रही हैं कि हम खालिस्तान की स्थापना करेंगे। हमें उनको मुंह तोड़ जवाब देना है कि हम पंजाब में भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर आप लोग आगे आएंगे तभी हिंदू पंजाब में बच सकता है और ये पंजाब टूटने से बच सकता है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, आइए जुड़ें और ये खालिस्तानियों के मुंह पे एक तमाचा लगाएं। अभी हमने मुलाकात करी श्री कमलेश भारद्वाज जी से, जो कि शिवसेना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो कि हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं के हक के लिए पंजाब में एक लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 33 सालों से, और जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही वो हमें एक संदेश भी दे रहे हैं कि जो हमारे पंजाब के युवा हैं, नौजवान हैं, जो कि नशे की लत में पड़ चुके हैं, वो इसको छोड़ें और इस नशे को अपने आप से दूर करें, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि इससे हमें नहीं जुड़ना है, ये हमारे को पीढ़ियों तक, अंत तक ख़त्म कर देगा, इसलिए इस नशे से दूर रहिए। हम कमलेश जी के बहुत बहुत आभारी हैं सर कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतनी मेहनत से इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। ऐसा फील्ड स्टाफ मिला, ये आप सबका धन्यवाद है। मैं आत्मा चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, विनोद जैन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये महसूस किया कि हिंदू लीडरों की बातें भी समाज में सब जगह पहुँचनी चाहिए और ये शुरुआत की है। ये हिंदू समाज कभी नहीं भूलेगा कि इस चैनल ने ये शुरुआत की है कि हिंदू नेताओं की बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मैंने और विनोद जैन ने अकाली दल के साथ मिलके झंडा गाड़ा था 2007 में और 10 साल तक अकाली दल को राज कराया था। आज फिर हम एक दोनों मिलके ये काम शुरू कर रहे हैं कि हिंदू समाज को, हिंदू समाज के लोगों को, अग्रणियों को, नेताओं को समाज के सामने अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाए, और उसकी शुरुआत आज हो रही है। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी ही समाज में सभी हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और वो आगे आएंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। कल फिर हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ और कुछ प्रश्नों के साथ। जय महावीर।